सो गाइस, जिस टाइप के आपने प्रीमियम वीडियो देखी है, इस टाइप की वीडियो बहुत ही इजी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से देखना है, स्टेप बाय स्टेप करके, तभी जाके आप इस टाइप की वीडियोस बना सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे हेलो राजा के नाम से इस प्रकार से अकाउंट है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इसी टाइप की वीडियोस बनी हुई हैं और अच्छे से यहाँ पर बूस्ट भी मिला है, क्योंकि वो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इस टाइप की चल रही हैं। तो करना क्या है, सिंपल से आपको अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो मटेरियल मैं आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर मेरी जो छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर एक वीडियो में, कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो प्लस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन और रेशियो और इसका बैकग्राउंड कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर रखना होगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल को अप्लाई करना, ऐड करना है, एंड इसे आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से ऐड कर देना है। तो आप इतना करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पर आपको एक नॉइस इफेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से नॉइज़ लिख देना है। नॉइज़ लिखने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको मिल जाता है, क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है, एंड इसे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है। इतना आपको यहाँ पर इंक्रीज कर देना है, कुछ इस प्रकार से, कुछ 0.460 के राउंड अबाउट स्ट्रेंथ को रख देना है, एंड यहाँ पर आपको मोनो क्रोम से यहाँ पर आपको इसे इनेबल कर देना है। फ्रिज को यहाँ पर आपको फ्रिज ऑन नहीं करना है, स्ट्रीम्स को यहाँ पे आपको ऑन कर देना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको जो ओवरशूट है इससे आपको इतना ही रखना है, एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। इस रेक्टेंगल पे आपको क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, ये वाला कलर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इधर से बैक करना है और बैक करना है, प्लस पे क्लिक करना है। जिस भी वीडियो पे आप इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं उस वीडियो को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो मैं मीडिया पे क्लिक करता हूँ, एंड मैं यहाँ पर ये वाली वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में इस वीडियो पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे से इतने पे आपको यहाँ पर सेट करना है, और छोटा करना चाहते हैं इस प्रकार से छोटा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो आपने रेक्टेंगल को यूज किया इसे आपको यहाँ पे फुल वीडियो में इस प्रकार से अप्लाई करना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आप, तो यहाँ पर आपको इस जो आपने वीडियो को ऐड किया इस पर आपको क्लिक करना है, बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर आना है, ऐड बॉर्डर पर क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से शेडर सेंटर पर क्लिक करना है, एंड इसका जो यहाँ पर आपको ब्लैक रहता है और वाइट रहता है, वाइट को यहाँ पर आपको ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है, एंड यहाँ पे आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है, कुछ इस प्रकार से आपको इसे इंक्रीज कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको इधर से बैक कर देना है, आपका जो यहाँ पे बॉर्डर है प्रॉपर तरीके से लग गया है। तो यहाँ पर जो आपका इफेक्ट है यहाँ पे अच्छे से नहीं लगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है रेक्टेंगल पे, नॉइज पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से आपको इसे ऑफ कर देना है दोनों को यहाँ पे आपको। और इसके बाद में यहाँ पे आपको फ्रिज पर क्लिक करना है, फ्रिज करना है तो ये जो यहाँ पे चलेगा नहीं, मूव नहीं करेगा, तो इसके बाद प्ले करके आपको देख लेना है। तो हमारा जो इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लग गया है। तो उसके बाद में करना क्या है, यहाँ पे आपको इमोजी को ऐड करना है। तो सिंपल से मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, देन मीडिया पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार की इमोजी को यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो मैं कुछ इस प्रकार से ऊपर के साइड में यहाँ पे आपको लेके रख देना है। उसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है, इसे आपको यहाँ पे एनेबल करना है, कुछ इस प्रकार से इसे खींच कर कुछ इस प्रकार से आपको इंक्रीज करना है। यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन पे आना है, कुछ ऐड बॉर्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आउटसाइड पे क्लिक कर देना है, एंड इसे आपको यहाँ पे जितना चाहें उतना इंक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कर दिया हूँ। उसके बाद में इधर से बैक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे मूव इस प्रकार से कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको इधर से बैक कर देना है, इससे आपको यहाँ पे फुल वीडियो में इस प्रकार से अप्लाई कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको इधर से बैक करना है, एंड प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको ये वाली जो PNG है आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो करना क्या है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ जूम आउट पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ पर छोटा इसे कर लेना है, कुछ इतना आपको यहाँ पे करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है, इसे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नीचे यहाँ पर आपको ला के रख देना है। इतना करना है, इधर से बैक करना है, जो आपने यहाँ पे PNG को ऐड किया इसे आपको फुल वीडियो में अप्लाई कर देना है, एंड उसके बाद में आपको क्लिक करना है, एंड उसके बाद बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से
सेकंड वाला ऑप्शन पे आना है, हाइड बॉर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आउटसाइड पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से ब्लैक कलर या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर येलो कलर यहाँ पे रख लिया, थोड़ा सा इसे आपको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है हल्का सा। तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इतना रख लेना है। रखने के बाद में यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करना है, इसे आपको यहाँ पे एनेबल कर देना है, कुछ इस प्रकार से खींच कर इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है। एंड आपका जो इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लग के रेडी हो गया है। उसके बाद में इधर से बैक कर देना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने चैनल का नेम यहाँ पे लिख देना है सिंपल से। प्लस पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देन उसके बाद में यहाँ पे अपने चैनल का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक से इक्वल साइज में कर लेना है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से करना है। एंड उसके बाद में कलर एंड बॉक्स पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे कलर को यूज कर लेना है। उसके बाद में इधर से आपको 18 PT पे क्लिक करना है, इसका जो साइज है साइज को आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद में रोबोट रेगुलर पे क्लिक करना है, जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा हो उसी फॉन्ट को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो सिंपल से मैं इसे इसी फॉन्ट को यहाँ पे यूज कर देता हूँ। उसके बाद में डन पर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे आपको फिर से डन पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे नीचे करना है। यहाँ पर आपको इतने पे लगा देना है, अच्छे से सेट कर देना है। उसके बाद में इसे आपको फुल वीडियो में अप्लाई भी कर देना है। एंड उसके बाद में इधर से आपको बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करना है, शैडो पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से आपको इसे एनेबल कर देना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आपको इधर से बैक कर देना है। बैक करने के तो हमारा जो यहाँ पे वीडियो है प्रॉपर तरीके से बनके रेडी हो गया है। जैसा कि मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से नहीं चल रहा है, जो कि एक्सपोर्ट होने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत स्मूथ तरीके से चलेगा। तो करना क्या है, सिंपल से आपको इधर से बैक करना है, एंड यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे आपको टॉप कॉर्नर पे आपको मिला होगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, तीर वाले आइकन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे जो आपका वीडियो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। सो गाइस, अगर इसी तरीके की ट्रेंडिंग वीडियो सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, पहला सा कमेंट भी कर दें। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।